नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अगर आप भी एक सी एस सी वी एलए हैं और आपको भी सी एस सी डिजिपल लाइट है, इसके लिए आपको यहाँ पे माइक्रो एटीएम ऑर्डर करना है, तो आप यहाँ पे किस तरह से माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा, ये मोरफन MP63 जो डिवाइस है वो आपको यहाँ पे ऑर्डर करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको जो गूगल है या मोबाइल प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके आपको टाइप करना होगा CSC ग्रामीण ई स्टोर। यहाँ पे जाने के बाद आपको VLA लॉगिन पे क्लिक करना होगा। VLA लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा पहले से लॉगिन है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे या तो आपको अगर मोबाइल ऐप के अंदर भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये जो बाई ऑन ई स्टोर है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं। बाई ऑन ई स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ATM। ATM आप जैसे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो दो है दो डिवाइसेज आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी वर्तमान में एक ही डिवाइस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको माइक्रो एटीएम देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपको दो डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो जो डिटेल दो माइक्रो एटीएम है वो शो हो जाएंगे। अब आपको देखिए ये सेकंड वाला है जो सेंट्रल बैंक के लिए ही आपको अवेलेबल है, केवल अगर आपके पास सेंट्रल बैंक की बीसी है तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ना था आपको यहाँ पे सीएससी डीजीपी के लिए लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले इसे, ठीक है। आपको सीएससी डीजीपी के लिए मोरफन MP631 पीस है, यही आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पे मोरफन पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है, हम वापस से लॉग इन कर लेते हैं। अब हमने हमारा जो है वापस से लॉग इन कर लिया है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मोरफन जो MP36 डिटेल्स है इसके, यहाँ पे एक्सेप्ट EMV चिप और जो जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वारंटी आपको यहाँ पे 1 ईयर की जो है मिल जाएगी। आपको यहाँ पे एक डिवाइस है वो एक सीएसई आईडी के लिए अवेलेबल रहेगी। रिप्लेसमेंट है वो केवल आपको डेमेंस अगर डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट और मिलता है तो आप यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर इसको वापस से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको एक ही अपन मंगा सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कर लिया है हमने एड हमारी माई कार्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू आर डिटेल्स पे आप जाके वापस से भी कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट डिटेल्स पे वापस आते हैं, हमने यहाँ पे माई कार्ट पे क्लिक कर लिया है। तो अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो एड्रेस है जहाँ पर हमारा ये जो है वर्तमान में आएगा वो हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरूर डालना है ताकि अगर आपका नाम भी ना आए तो आपके मोबाइल नंबर के द्वारा आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको दो जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ तो या तो पेयू के माध्यम से कर सकते हैं या इजी पे के द्वारा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी आप जिसके भी माध्यम से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जिसका ऑर्डर है 2060 रुपये आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजी पे के ऊपर क्लिक कर देते हैं और नीचे जाके हम यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी यूपीआई के माध्यम से जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रेडिट के कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन से कंपनी का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हमारे रुपए क्रेडिट कार्ड है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, कार्ड नंबर आपको टाइप डालना है, कौन से ईयर में एक्सपायर है या तो आपको यहाँ पे एक्सपायर वो डाल देना, और CV आपको यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे जो कार्ड नंबर वो डाल देना और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो ऑर्डर का लिए OTP है वो हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाता है, तो हम यहाँ पे जो मोबाइल के नंबर पे जो OTP आया है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे OTP चेक कर लेते हैं कि कितने OTP है, तो हम यहाँ पे जो OTP है यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे दर्ज करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्रोसीड में जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो पेमेंट है वो भी सक्सेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है या आपको इसको सेव कर लेना है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया तो हम रिटर्न टू होम पे क्लिक कर देंगे। अब वापस से आपका यहाँ पे जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे
एयरपोर्ट पे आ जाना है। अब आपको अपना जो ऑर्डर है वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बाय ऑन स्टोर के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको माय ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका ऑर्डर है जो अगर ऑनलाइन है वो हो चुका है। यहाँ पे देखिए 2060 रुपये हमारे यहाँ पे ऑनलाइन पेड हो चुके हैं और ये कंफर्म भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डाल दिया है। अब यहाँ पे ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिन वेट करना होगा, आपके पास ये डिवाइस पहुँच जाएगा। अगर कितने दिन में मिलता है या क्या किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है वो आपको इस वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो के अंदर मर्ज करके आपको दिखा जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।